विभिन्न संस्थाओं, व्यापारियों और आमजन से आह्वान किया है कि वे कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत संयम का परिचय देते हुए दीपावली के त्यौहार को मनाएं। उन्होंने कहा कि दीपावली के धार्मिक पर्व के आयोजन के समय कोविड 19 की हिदायतों का स्वेच्छा से पालन करें। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। मालूम है कोविड की महामारी की वजह से फिजिकल इंट्रैक्शंस, मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेज, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होना शुरू हो गई थी, ऑनलाइन चीज़ें शुरू हो गई थी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी सारे बंद कर दिए गए थे, जो एक फेज्ड मैनर में धीरे धीरे अभी खुलना शुरू हुए हैं, जिनमें अभी बंदिशें नहीं हैं कि हाजिरी ली जाएगी या उनको मजबूर किया जाएगा अटेंड करने के लिए, स्वेच्छा से लोग आ सकते हैं पेरेंट्स वगैरह से सबसे मशवरा करने के बाद। चूँकि बच्चे इतना लंबा टाइम घर पे रहे हैं, इसलिए विभिन्न अदालतों और सरकार के निर्देशों के अनुरूप तरह तरह की गतिविधियां बच्चों के मनोरंजन के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए ऑनलाइन करवाई जा रही हैं, जब से कोविड की महामारी शुरू हुई है मार्च महीने से, मार्च के आखिर से राधा। इसके तहत अब से पहले भी बच्चों को चैनल्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इस प्रकार से क्लासेस भी उनको दी जाती रही हैं। परंतु सिर्फ किताब की पढ़ाई ही क्योंकि अकेली एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन में सर्वांगीण विकास पे, बच्चों की मानसिक ग्रोथ पे जोर रहता है, तो सरकार ने समय समय पर उनके मनोरंजन के लिए कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह भी करवाई हैं, प्रतियोगिताएँ भी करवाई हैं, क्विजेज भी करवाई हैं और कई तरह की एक्टिविटीज़ ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स भी करवाए हैं, वो चाहे स्कूलों के बच्चे हों, चाहे होम्स में रह रहे बच्चे हों, सभी तरह के लोगों के लिए करवाई गई थी। अभी फिर हम 23 तरह की प्रतियोगिताएं ऑनलाइन आयोजित करवा रहे हैं बच्चों के लिए, जिसके तहत सभी बच्चों को इसमें भाग लेना चाहिए। मेरा अनुरोध है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया में भी ये जाए, मैं अनुरोध मोडी प्यारा साहब से कि प्रोत्साहित करें बच्चों को कि वो इन प्रतियोगिताओं में भाग लें और DO और DWS से भी मैं विशेष तौर पर अनुरोध करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इसमें सुनिश्चित करवाएं। साथ ही साथ मैं जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल है उनके अधिकारियों से भी कहूंगा और WCD डिपार्टमेंट की DPO से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे ज़िले में, उन सभी बच्चों को भी प्रेरित करें कि इसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें सोलो डांस, क्लासिकल वगैरह है, फिल्मी डांसेस भी हैं, ग्रुप डांसेस भी हैं, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता भी है, क्ले मॉडलिंग भी है, देशभक्ति गीत, ऐसे राइटिंग है, स्केचिंग है, पोस्टर मेकिंग है, फेस पेंटिंग है, ये सब तरह की विधाएं इसमें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि DO, DWO, DWC और WCD DPO के एक्टिव सहयोग से और ये मेरे विचार से हम चाहते हैं कि हमारा ज़िला प्रदेश के टॉप ज़िलों में शुमार होना चाहिए। आज हमारा ये आह्वान है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आने वाले 2-3 दिन में इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हमको देखने को मिलनी चाहिए। ये 10 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन की डेट है मेरे ख्याल से वेबसाइट पे। ये वेबसाइट भी प्रचारित हो चुकी है वैसे, परंतु आप अपने चैनल्स वगैरह और जो सिटी केबल वगैरह जो भी लोग, उनके माध्यम से इसको भी प्रचारित करवाएं और चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल वालों को ख़ास तौर पे ड्यूटी लगा रहा हूँ कि इन सभी महकमों से कोऑर्डिनेशन करें, उनसे संपर्क में रहें और डेली इसकी मॉनिटरिंग करें और मुझे भी उसकी डेली मॉनिटरिंग की रिपोर्ट बताई जाए क्या है। मैं नहीं चाहता कि 90% से कम बच्चे इसमें किसी भी सूरत में पार्टिसिपेट करें।